एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस 3 वीडियोस में सेल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था, देन उनके टाइप्स को देखा था, जो 2 टाइप्स थे जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे, कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है या फिर ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है। तो उसके बेसिस पे हमने 2 टाइप्स देखे थे सेल के, फर्स्ट था प्रोकैरियोट और दूसरा था यूकैरियोट। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को भी कंप्लीट किया था। आज हम इसके बीच जो मेजर डिफरेंसेस आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इनके मेजर डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस साइड मैंने प्रोकैरियोट का लिखा है और इस साइड यूकैरियोट्स का। सो फर्स्ट पॉइंट है कि इंक्लूड्स आर्किबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोट्स में जो सबसे पहले फॉर्म जो हुए थे ऑर्गेनिज्म, वो थे आर्किबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बाद में इनमें कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, इस वजह से यूकैरियोट्स में हमें फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल्स को रखा है। एनिमल्स में हम ह्यूमंस भी आते हैं, इसलिए इंक्लूडिंग ह्यूमंस। सो सेकेंड पॉइंट इज प्रिमिटिव सेल एंड जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म एंड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। सो ये जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, ये सबसे प्रिमिटिव सेल है, यानी कि ये इवोल्यूशन के टाइम फॉर्म किए थे। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल में, वो फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली प्रेजेंट थे, यानी कि इनके किसी भी टाइप का, इनके पास कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं था या फिर किसी भी मेम्ब्रेन में ये बाउंडेड नहीं थे। और जो जेनेटिक मटेरियल था वो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन था, इनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट थे। देन सेकेंड पॉइंट इन यूकैरियोट्स, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट विथ एनवेलप एंड जेनेटिक मटेरियल विथ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। ये जो यूकैरियोट्स थे, इनका नाम ही यूकैरियोट्स है क्योंकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट विथ एनवेलप, ये एनवेलप में प्रेजेंट होंगे और ये जेनेटिक मटेरियल हिस्टोन प्रोटीन को भी कंटेन करते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा और ये सारे इन न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल प्लस हिस्टोन प्रोटीन। देन थर्ड पॉइंट इन प्रोकैरियोट्स, सेल वॉल प्रेजेंट एंड कंटेन मुरामिक एसिड एंड इन यूकैरियोट्स सेल वॉल प्रेजेंट बट विदाउट मुरामिक एसिड। इन दोनों के बीच ये डिफरेंसेस है कि जो सेल वॉल है उसमें ये मुरामिक एसिड कंटेन करते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल है, बट यूकैरियोट्स में ये मुरामिक एसिड एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 4, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। इसमें कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड हो। देन यूकैरियोट्स फोर्थ पॉइंट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट राइबोसोम, यानी कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, बट एक्सेप्शन है कि जो राइबोसोम होता है उस पर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। सो यहाँ पे इसे स्टार मार्क कर देते हैं, जो राइबोसोम होता है ये विदाउट ही किसी मेम्ब्रेन के होगा। सो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हमने कंप्लीट किया। देन पॉइंट नंबर 5, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम ऑफ 70S 50+30 एंड प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। जो राइबोसोम होता है वो 70S का होता है, यानी कि 50+30 का होगा, और जो यूकैरियोट्स है इनमें राइबोसोम ऑफ 80S एंड एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सम आल्सो प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। जो यूकैरियोटिक में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो 80S के होते हैं, यानी कि 60+40, और ये जो कुछ इनमें राइबोसोम होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER से अटैच होते हैं, यानी कि उससे लगे हुए होंगे, जिसको कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, शॉर्ट में RER। जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम लगे हुए हैं तो इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंड सम ऑल्सो प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, कुछ इनमें से राइबोसोम फ्रीली प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में। सो यहाँ पे 70S और 80S देख रहे हैं हम, जो कि 50+30 का होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में होता है ये 60+40 का। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसे क्लियर किया था कि ये किस तरह से इसे प्लस करने पे 70 आता है और ये किस तरह 60+40 80 हो जाता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि ये 2 सब यूनिट है 50+30 का। यहाँ पे देखते हैं कि एक 50 का है और दूसरा 30 का, ये 50 वाला है और ये 30 वाला, इनको जोड़ने पे 80 आना चाहिए, बट जब इसे हम आपस में जोड़ देते हैं ये ओवरलैप कर जाते हैं, एक 50S का है और ये 30S का, तो इनमें ये 5 5 दोनों यूनिट में से माइनस हो जाता है, इसलिए ये
70S का बनता है। उसी तरह से यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम है 80S का, वो 60+40=90 होगा, बट इसी तरह से उसमें 5-5 माइनस हो जाएगा और बनेगा 80S का। सो यहाँ पे राइबोसोम वाला पार्ट क्लियर होता है। देन 6 पॉइंट इज सेंट्रोसोम एब्सेंट एंड इन यूकैरियोट्स सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो सेंट्रोसोम है ये सेल डिविजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंट होगा बट प्रेजेंट होगा यूकैरियोट्स में, स्पेशली इन प्लांट और एनिमल सेल। देन 7 पॉइंट इज दे आर ऑफ सिंपल फॉर्म एंड इन यूकैरियोट्स दे आर मोर कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो सिंपल होते हैं, मतलब उनमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्सिटी आती गई और वो कॉम्प्लेक्स बन गए। देन 8 पॉइंट इज साइज 0.5 micrometer to 1 micrometer एंड यूकैरियोट 10 micrometer to 20 micrometer। ये इन दोनों का रेंज है, ये इनका साइज मेंशन। सो यहाँ पे ये दोनों का साइज है, प्रोकैरियोट का 0.5 micrometer से 1 micrometer और जो यूकैरियोट है उसमें ये 10 micrometer से 20 micrometer के बीच में वेरी करता है। तो यहाँ पे हमने इनके मेजर जो डिफरेंसेस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में वो कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक के और जो टाइप होते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।